हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं अरसल, नाजिया मेरी वाइफ, हम दोनों सैना क्लारा से आपके पास दोबारा। और आज जो है सैटरडे है, लॉन्ग वीकेंड है सैटरडे, और संडे और मंडे तीन दिन छुट्टी है। तो हमने सोचा कि आज जो है ज़रा देसी नाश्ता करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टूर के साथ पास के बाद आया हूँ। कम से कम मेरे 5 महीने का टूर था, टेक्सास भी गया था, मिडिल ईस्ट भी गया था, सारी चीज़। तो उसके बाद हम लोगों ने जो है रीयूनियन कर लिए, हमने सोचा कि कुछ देसी हम करते हैं। तो एक रेस्टोरेंट हमने सेलेक्ट किया है, वहाँ जाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या डिशेस हैं और हम ब्रेकफास्ट कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओवर टू यू। ये मैं अपना गिम्बल चार्ज कर रहा हूँ। चार्ज करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर करीब में, देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कौन सी जगह हमने प्लान करी है। So here we are, we ordered puri bhaji, $13, and all these options are available for you to order. They have veg, non-veg, appetizers, biryanis, wraps, lambs and everything. That's how the place is all about. Pretty basic restaurant they have. Okay, here we are at Punjabi Kitchen. तो यहाँ पर क्या स्पेशल है? नाजिया ने सेलेक्ट की है जगह। नाजिया क्यों सेलेक्ट किया ये जगह? मुझे हलवा पूरी ट्राई करना था और हमने इससे पहले ज़रीन्स का ट्राई किया है, वो अच्छा है, पकवान पकवान का हलवा पूरी ट्राई नहीं किया, दूसरी चीज़ें बहुत ट्राई की है, लेकिन आई वांटेड टू एक्सप्लोर ये कैसी जगह है। इनका आई थिंक सैन होज़े में एक लोकेशन पे है, पहले से है, और ये आई थिंक न्यू है, क्योंकि ये मुझे पहले मैप में नज़र नहीं आया। हाँ, इसलिए यहाँ पर जो है रश भी नहीं है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। सो गो टू प्लेस हो सकती है, लेकिन ऐसे एग्जॉटिक नहीं है कि आप मतलब आएँ और इस अभी फॉर द टाइम नहीं है। या लेकिन लेट्स सी कि टेस्ट कैसा है वो डिसाइड करेगा कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे देसी टेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। आई मीन आपको मिल जाता है तो डोंट गो फॉर लोकेशन और एनीथिंग, इफ यू आर फाइंडिंग गुड टेस्ट देन गो फॉर इट। ऑसम। सो हम वेट कर रहे हैं अभी गाइस, जैसे ही हमारे पास आता है तो आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं कि कैसी प्रेजेंटेशन है उसकी, और मज़ा भी हम बिल्कुल ट्रू आपका बताएंगे उसका ओपिनियन कि आप उसको जगह को जाकर ट्राई करें, यस और नो। नॉर्मली जहाँ पे भी हम खाते हैं वहाँ दो पूरियाँ आती हैं सेट में, वो जो थाली देते हैं, थाली के नाम के उसमें दो पूरियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ पे तीन देते हैं, इसलिए मैंने कहा इसको भी ट्राई करते हैं। राइट, लेकिन हम तीन खा लेंगे। हाँ खा लेंगे, लेट्स सी। एक बंदा तीन खा लेगा? हाँ आई एम नॉट श्योर बट आई एम श्योर। लेकिन मैंने चाय नहीं बोली मैंने। देखें आप, हमारी ट्रीट भी आ रही है, आ गई है ट्रीट। मैं चाय बोल के आती हूं जब। ये देखें, ये आ गए, वो आ गए, तेरा मोमेंट ऑफ ट्रुथ। थैंक यू वेरी मच। ओके सो गाइस, पूरी आ गई है, अब आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये चना भटूरा है, ये हलवा है, ये अचार भी है और इसके अंदर ग्रेवी भी है, और पूरी का साइज़ आप देख सकते हैं कैसा है। तो प्रेजेंटेशन में तो मैं 9 देता हूँ 10 में से। हाउ अबाउट यू नाजिया, कितने नंबर? सेम। 9 आउट ऑफ 10?
चलें अब ट्राई करें आप और फिर हम बता दें। सबसे पहले आप ट्राई करें। How's that? Tastes good? Yes. क्या ट्राई किया आपने? चना। चना? Okay. Yes, चना भटूरा भी लिया अभी मैंने। और पूरी वो क्या कहते हैं हलवा भी नहीं लिया है। Okay. First you try it and then I will and then हम last final thoughts इनके बताएंगे कि कैसा है। Wow. इसके साथ अचार मिक्स हो गया, इसमें मुझे मिक्स आ रही है। हाँ। और हलवा कभी आप देख के बताएं कि कैसा है। Awesome, good, good. चलें पास हो गया इस। मैं तीन खा सकती हैं। Awesome. आपको कैसा लगा अरसल खाना? खाना मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैंने जस्ट एक अभी लिया है तो मुझे बेटर लगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ सही थॉट्स बताता हूँ कैसे। इसकी विस्कोसिटी भी आप देख सकते हैं कैसी है, काफ़ी अच्छी विस्कोसिटी है, चने भी अच्छे बने ना। गुड। यस, सेम ग्रेट टेस्ट जैसे आपको देसी मिलता है वैसे ही है। तो चना भटूरा तो मैं पास है। यस ठीक है। अब मैं आपको लाइक नाजिया मैं आपको हलवा खा के बताता हूँ। शक्ल में अगेन जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है इसकी शक्ल। हलवे में थोड़ी चीनी कम दिखी है नॉर्मल से, लेकिन गुड है। मतलब वो जो कॉन्शियस होते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है हलवे के अंदर, फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, तो उनके लिए सही है ये लाइक मेरे लिए सही है ये। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाता, प्रॉब्ली नाजिया के लिए सही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहिए। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये ग्रेवी है क्योंकि इसके साथ इतने दी है, इसको भी ट्राई करते हैं। टू गुड। गुड। और दूसरी चीज़ के नॉर्मली हमें चाय बाय करनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने इनकी फ्री है। कॉम्प्लीमेंट्री चाय। यस। गुड। सो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, हलवा पूरी और चना भटूरा था, बहुत मज़ेदार था। हम रेट करते हैं उसको 9 out of 10 है ना। Yes. और हलवा और चना भटूरा एक्सपर्ट नाजिया का जो है वो 9 out of 10 टू, ऐसे ही उन्होंने भी रेट किया हुआ, राइट? ऐसे ही है। जो आलू थे उसमें जैसे हम लोग सौंफ और कुछ और चीज़ें ज़्यादा डालते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन टेस्ट में अच्छा था। टेस्ट में बहुत अच्छा था, अचार बहुत मज़ेदार था। और इसका नाम है लाहौरी इंडियन पाकिस्तानी कुजीन, ये ग्रैंड ओपनिंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। और आज का वेदर बहुत मज़ेदार है, तो हमने कहा कि ज़रा इन्जॉय करते हैं, आपको वेदर दिखाते हैं हम अपने बैकग्राउंड का। ये देखें बादल ही बादल आए हुए हैं, मज़ेदार सा वेदर हो रहा है और टेम्परेचर भी बड़ा अच्छा सेट हुआ हुआ है। तो यहीं तक था आज का व्लॉग, होप यू लाइक इट। और दूसरे कुजींस को भी ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हमें लगा, ताकि आप वहाँ जाएँ और इन्जॉय करें, राइट? स्टे ट्यून्ड टू लाइक शेयर।